सबक इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नौमानी है, जिनकी तारीख़ विलादत 1857 और वफ़ात 1914 ईस्वी है। मौलाना शिबली नौमानी बयक वक्त एक शायर, अदीब, फ़लसफ़ी, कानूनदान, माहिर तालीम, आलिम दीन और मौर्रख थे। आपका पूरा नाम मोहम्मद शिबली, शम्सुल उलमा आपका खिताब था और आपके नाम के साथ नौमानी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत की वजह से ख़ुद इजाफा किया था। आज़मगढ़ हिंदुस्तान में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम वहीं के एक मदरसे से हासिल की। सर सैयद अहमद ख़ान ने आपको अलीगढ़ कॉलेज में अरबी का उस्ताद मुकर्रर किया और यहीं से आपकी तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। आपने मिस्र, तुर्की, रोम और शाम के सफ़र भी किए। तुर्की के सुल्तान ने आपको तमगाए मजीदी अता किया। आपकी तर्ज तहरीर की नुमाया खसूसियात में रंगीनी, रानाई और हुस्न ज़ेबाइश थी। आपका दौर मुसलमानों की ज़बूहाली का दौर था, इसलिए उनकी तहरीरों में अहम खसूसियत असलाफ़ के दीनी, सियासी, तहजीबी कारनामों का तारुफ कराना। वो मुसलमानों के कारनामे बयान करके उनमें जोश, हिम्मत, हौसला और वलवला पैदा करना चाहते थे। उनकी तमाम तहरीरें एक ख़ास मकसद के तहत लिखी गईं। उनकी तसानीफ़ से उनके मुताले तहकीकी अंदाज और इल्मी बसीरत का भरपूर तासुर मिलता है। उन्होंने अपनी तारीखी, तनकीदी और अदबी तसानीफ़ में अपनी काविशों का हक पूरी तरह से अदा किया। उनकी बुलंद पाया तसानीफ़ में अलमामून, सीरतुल नौमान, अलफारूक, अलगजाली, सवानेह मौलाना रोम, मकालात शिबली और सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बुलंद पाया किताबें मौजूद हैं। सबक के बाकायदा आगाज़ से पहले हम मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं। खंदा, हंसता हुआ, शगुफ्ता, खिला हुआ। नर्म हो यानी बहुत अच्छी आदात, खुश खलकी। ऐब जो, ऐब ढूंढने वाला या नुक्ता चीनी करने वाला। ऐब गिरी, ये भी जो है ऐब ढूंढने के मायनों में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। नर्म तबा, नर्म मिजाज यानी तबीयत में नरमी होना। मरूब, किसी के रोब में आना। इजहार तशक्कुर, शुक्रिया का इजहार करने की आदत। मतानत, संजीदगी और बुर्दबारी को, वक़ार को कहते हैं। मुसाफा करने का मतलब है हाथ मिलाना। हम रकाब, हम सफ़र या सवारी के साथ होना। सजदागाह, सजदा करने की जगह। कदम रंजा फरमाना यानी तशरीफ़ लाना। बारियाबी, खिदमत में हासिर होना। यकजा, इकट्ठे या एक जगह। फंदा जबी, खुश मिजाज। मेहरबान तबा यानी तबीयत के अंदर बहुत नरमी होना, बहुत शफीक मिजाज होना। तंगगीर, सख्ती करने वाला। रास्तगो, सच व हक बात करने वाला। दफतन, अचानक। आगोश परवरदा, जेर साया पला हुआ। तनावुल कर फरमाना यानी खाना खाना। खातिर शिकनी, किसी का दिल तोड़ना। हम नशीनों, हम सोहबत, मसाहिब, दोस्तों के साथ। तामुल, तजब्जुद को कहते हैं, हिचकिचाहट को कहते हैं। इज्न, इजाज़त मांगने के मायनों में इस्तेमाल होता है। ज़ाफ़रान, एक खुशबूदार पौधे का नाम है। पेश दस्ती, पहल करना, सबकत लेना। सबक के अहम नुकात देखिए। इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मैंने हर पैराग्राफ को कि जो अहम नुकात हैं उनको मैंने यहाँ पर बयान किया है। अब मैं इनकी वजाहत कर रही हूँ। आप जो है सफ़ा नंबर 10 से देखिए, जो आपके सफ़ा नंबर 10 पर पहला पैराग्राफ है, जिसमें हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान किया गया है, जिन्होंने हयात तैयबा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताया है कि वो आप नबूवत से पहले और नबूवत के बाद 25 बरस तक जो है वो आपकी खिदमत ज़ौजियत में रही थी, यानी आपके का उनका साथ जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तकरीबन 25 सालों तक था।
वो फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सिलाए रहमी करते थे, जो लोग अपना कर्ज अदा ना कर सकते थे उन मकरूजों का कर्ज अदा की अदायगी किया करते थे, गरीबों की आनत करते थे यानी गरीबों की मदद किया करते थे, मेहमानों की ज़ियाफ़त यानी उनके खातिर तवाज़ो का खातिरदारी का अहतमाम किया करते थे। इसी तरह सेकंड पैरा में आप देखिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात व अखलाक से मुताल्लिक जो फरमान है वो बताया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत कभी किसी को बुरा भला कहने की ना थी। आपने कभी भी किसी की बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया, बल्कि हमेशा अफ़ू दरगुज़र से काम लिया, और जो है बदला लेने की ताकत और कुव्वत रखने के बावजूद आपने कभी अपने जानी दुश्मनों के साथ भी बुरा सलूक ना किया, बल्कि फतह मक्का के मौके पर आपने एक मिसाल कायम की कि आपने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया था। पैराग्राफ नंबर 3 में देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफू और दरगुजर की सिफ़त जो है उसका बयान किया गया है कि कभी आपने जो है किसी भी गुलाम, लौंडी, औरत या जानवर को तकलीफ़ नहीं दी, कभी उस अबे हाथ से मारा नहीं, कभी किसी की दरख्वास्त रद्द नहीं की, यानी किसी ने अगर आपके आगे सवाल किया तो आपने जो है हमेशा पूरी कोशिश की कि उसके सवाल को पूरा करें, और जब भी आप घर में तशरीफ़ लाया करते थे तो हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए जो है वो घर में तशरीफ़ लाते थे, और इस तरह बात जो है वो गुफ्तगू फरमाते थे कि अगर कोई जो है उसको याद रखना चाहे तो बआसानी याद कर सकता था। इसी तरह से नंबर सफ़ा नंबर 11 पर देखिए पैराग्राफ नंबर 4 में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाया गया है कि एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात के बारे में सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात कैसी थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब में फरमाया कि आप खंदा जबी थे, यानी बहुत जो है आपका चेहरा शगुफ्ता था, हंसते मुस्कुराते हुए रहते थे, नर्म खू थे यानी आपके मिजाज में बहुत नरमी थी, मेहरबान तबा थे, आपकी तबीयत जो है वो बहुत ही उसमें शफकत थी, लोगों के लिए मोहब्बत थी, सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे, यानी कभी किसी के लिए जो है अपने दिल में कोई बुराई नहीं रखते थे, कभी किसी के लिए कोई बुरा कलमा अपने मुंह से नहीं निकालते थे। बिल्कुल इसी तरह से पैराग्राफ नंबर 5 देखिए सफ़ा नंबर 11 की आखिरी 4 लाइनें, इसमें हंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश परवरदा थे, यानी आपके ज़ेर साया जो है वो उनकी परवरिश हुई थी, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात के बारे में यही फरमाते हैं कि आप बहुत नर्म खू थे, किसी की तौहीन रवाना रखते थे, यानी कभी किसी की बेइज्जती नहीं किया करते थे, छोटी छोटी बातों पर इजहार तशक्कुर फरमाते थे, यानी छोटी छोटी बातों पर भी शुक्र का इजहार करते थे, और खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिस किस्म का भी आ जाता अगर पसंद ना भी होता तो कभी खाने को बुरा ना कहते और जो है उसको खुश दिली के साथ तनावुल फरमा लेते यानी खा लेते थे। सफ़ा नंबर 12 पर देखिए पैराग्राफ नंबर 6 हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी मोहब्बत रखते थे कि जब भी जो है वो उनकी खिदमत में आते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर खुश होते थे और ख़ुशी का इजहार मुस्कुरा कर करते थे। अगले पैराग्राफ में देखिए पैराग्राफ नंबर 7 जिसमें आपका है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब मजलिस के तरीके, यानी महफिल में किस तरह से बैठना चाहिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये तरीके भी सिखाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आप उनका मामूल था कि किसी से मिलते थे तो हमेशा पहले खुद सलाम व मुसाफा करते थे, यानी उससे हाथ मिलाया करते थे, और अगर कोई शख्स आपसे बात कर रहा हो तो जब तक वो अपनी बात ख़त्म ना कर लेता था आप किसी जल्दबाजी का इजहार ना करते थे बल्कि मुखातिब की बात ख़त्म होने का इंतज़ार करते थे, और इसी तरह जब मजलिस में बैठते थे तो कोशिश करते थे कि हमेशा जो है दूसरों को जगह दें, ऐसा ना हो कि खुद जो है वो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम से बैठ जाएं और दूसरों को आपके बैठने से तकलीफ़ हो, तो ये करना जो है आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ है, और ये हमें जो है सीरत तैयबा से ये सबक मिलता है। अगला पैराग्राफ देखिए, सफ़ा नंबर 8 पर, सॉरी पैराग्राफ नंबर 8 देखें कि एक दफ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने गए, तो वापस आते हुए उन्होंने अपने साहबजादे कैस को आपके हमराह कर दिया कि वो उनके साथ जाएं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात जो है वो पसंद ना आई कि आप ख़ुद तो ऊँट पर सवार हों और जो है वो उनके साहबजादे कैस जो हैं वो पैदल चलें। तो आपने उनसे कहा कि या तो फिर जो है मेरे ऊँट पर सवार हो जाओ, वरना जो है वापस चले जाओ। तो उन्होंने जो है वापस जाने को तरजीह दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शान में गुस्ताखी करना गवारा ना किया, यानी ये एक अदब की मिसाल थी। इसी तरह पैराग्राफ नंबर 9 में देखिए कि बादशाह निजाशी के हाथ से सिफारत आई, यानी कुछ लोग जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो उनकी खुद खातिरदारी की, उनकी खातिर तवाज़ों का अहतमाम किया। हालांकि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो है फरमाया कि हम ये खिदमत खुद अंजाम दे लेंगे, लेकिन जो है आप उनसे बादशाह निजाशी से बहुत मोहब्बत करते थे, लिहाजा आपने जो है वहाँ से आए हुए लोगों की जो है के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से किया कि उनकी खातिर तवाज़ों का भरपूर इंतज़ाम किया। इसी तरह से सफ़ा नंबर 13 पर देखिए, पैराग्राफ नंबर 10, अतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़िया है, जो अस्हाबे बदर में थे यानी जंगे बदर में शामिल थे, उनकी बिनाई में फ़र्क आ गया था, यानी जो है नज़र उनकी कमज़ोर हो गई थी। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर ये दरख्वास्त की थी कि मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो कमज़ोर बिनाई की वजह से मेरा मस्जिद तक जाना मुश्किल हो जाता है, तो आप अगर मेरे घर पे आकर 2 रकात नमाज़ पढ़ लें तो मैं उसी जगह को सजदागाह बना लूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त कबूल फरमाई, उनके घर तशरीफ़ ले गए और जो है वहाँ जाकर एक जगह पर 2 रकात नमाज अदा की। पैराग्राफ नंबर 11 में देखिए, जिसमें आपको अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़िया बताया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक दफ़ा हज़रत अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, तो जो है जब आप जा रहे थे दावत में तो आपके साथ कुल 5 आदमी थे, रास्ते में एक और शख्स जो है वो आपके साथ आ गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त मांगी कि अगर जो है आपको नागवार ना गुजरे तो मैं इन साहब को भी दावत में साथ ले चलूं, वरना इन्हें रुख्सत कर दिया जाए। तो अबू शुएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप इनको भी साथ ले आए, तो भी इस तरह जो है आप फिर उस शख्स को भी अपने साथ लेकर दावत में गए। सफ़ा नंबर 13 की आखिरी लाइन से देखिए, पैराग्राफ नंबर 12, किसी शख्स की कोई बात नापसंद आती तो आप फौरन ही उसके मुंह पर उस नापसंदीदगी का इजहार ना करते, बल्कि जो है लोगों की दिल आज़ारी से बचते थे। एक दफ़ा जो है उसमें वाक़या बताया गया है आपको कि एक साहब जो है वो ज़ातान से अपने कपड़ों को रंग कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, तो इस ये जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद ना आई, तो आपने जो है उनके मुंह पर तो उन्हें कुछ ना कहा, लेकिन बाद में लोगों से कहा कि आप उनसे कह दें कि वो इस रंग को धो डालें। सफ़ा नंबर 14 पर देखिए, आपका पैराग्राफ नंबर 13 में है कि एक दफ़ा जो है एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, वो शख्स जो है उसकी बदजुबानी की वजह से लोग उससे खाइफ रहते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो आपके पास आया तो उससे बहुत नरमी से गुफ्तगू फरमाई। तो ये जो था आपका इस पूरे सबक के अहम नुकात जो है वो आपको इसमें बताए गए थे। यहाँ पर आपको जो है इस पूरे सबक का खुलासा बताया गया है कि
कि अख़लाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौलाना शिबली नोमानी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़लाक़ हसना बयान किए हैं, और आपकी आयली और समाजी ज़िंदगी यानी आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है और माशरती ज़िंदगी है उसके कुछ वाक़यात जो है इख्तिसार के साथ यानी मुख्तसरन बयान किए गए हैं। और आप नरम खो थे, खुश मिजाज थे, मेहरबान तबा थे यानी आपकी आदात बहुत अच्छी थी, किसी को बुरा भला ना कहते, न किसी की ऐबजोई करते, न किसी से इंतकाम लेते। इसी तरह जो है आगे आपको बताया गया है कि लोगों के साथ वक़ार और मतानत से गुफ्तगू फरमाते, सलाम और मुसाफा करने में पहल करते। और फिर बादशाह निजाशी का जो वाक़या है वो भी आपने जो है थोड़ा सा मुख्तसरन इसमें जो है बयान कर देना है खुलासे में। और इसी तरह गर्ज ये कि आपकी ज़ात पाक मजमूए इखलाक थी। हिस्सा मश्क में देखे पहले कसीदुल इंतखाबी सवालात, यहाँ पर आपको जो है चॉइस दी गई है, हर खाली जगह के साथ जो है आपकी चार ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें आपने सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो आप जो है ये लेसन की जब रीडिंग करेंगी या इसका जो खुलासा मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग जो है आपने इस सवाल को हल करना है। अगला सवाल है आपका, दर्ज ज़ेल खाली जगह दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। ये भी जो है आपने सबक में आपको जो है ये तमाम मालूमात दी गई हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख़लाक़ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर किसी ने तफसील से नहीं बयान किए। आपने कभी किसी से अपने ज़ाती मामले में इंतकाम नहीं लिया। अपने नफ्स से तीन चीज़ें आपने बिल्कुल दूर कर दी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम में पेश दस्ती फरमाते और एक दफ़ा निजाशी के हाथ से सिफारत आई। इसी तरह से आपका अगला सवाल है कि दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाइए। तो ये सारे जुमले भी जो है वो आपके आपने पढ़े हैं इसमें, और इसी को देखते हुए आपने जो है इस पे सही और गलत के निशान लगाने हैं। होम टास्क में आपको सवाल जो करना है वो अच्छी तरह समझ लें कि सवाल नंबर एक का जुज अलिफ ता हे तहरीर करना है। सवाल नंबर एक आपका जो सफ़ा नंबर 15 पर दिया गया है इसका जुज अलिफ बे जीम दाल और हे ये आपने पांचों करने हैं। और ये सारे जो हैं मैंने इसके पैराग्राफ मेंशन कर दिए हैं कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या जो है किस पैराग्राफ में है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, इसी तरह जरीर बिन अब्दुल्लाह का और हंद बिन अबी हाला का और हज़रत अकबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। तो आपको इन पैराग्राफ में जो है वो इन सवालों के जवाब बआसानी मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस सबक के समझने में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा।